मानव जाति का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि हमारा भविष्य कैसे होगा। हम सभी अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आज हम बहुत 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 दूर का फ्यूचर देखने वाले हैं। आपने ये देखा होगा कि आज से 1000 साल बाद क्या होगा, 1 लाख साल बाद क्या होगा, 1 मिलियन और तो और 1 खरब वर्ष बाद भी क्या होगा शायद आपको पता है, लेकिन आज से करीबन 1 गूगल साल बाद क्या होगा ये कभी सुना है आपने? 1 गूगल साल का मतलब है 1 के ऊपर 100 शून्य। इस समय हमारा सूरज 10% और तेज हो गया होगा और सतह का तापमान अब इतना गर्म हो चुका है कि महासागरों में से पानी भी खत्म हो चुका है। पूरे धरती पर अब सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट बचा है। अब धरती पर कोई नहीं बचा जो जिंदा रह सके। करीबन 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब एंड्रोमेडा उड़कर मिल्की गैलेक्सी में जा मिल चुका है। 21st सेंचुरी में यही धरती से कभी 2.5 मिलियन ईयर्स दूर हुआ करती थी। ब्रह्मांड के 2 सबसे बड़ी गैलेक्सी एक दूसरे में समाकर एक विशाल गैलेक्सी का निर्माण हो चुका है। हमारी सौरमाला अब नई गैलेक्सी लैकोमेडा में जा बस चुकी है। ये उसका अंतिम समय है, क्योंकि हमारा सूरज ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। उसकी रेडियस बढ़ चुकी है और आज के मुकाबले वो 200 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये ऐसा समय है जब सारे ग्रह और उनके सैटेलाइट्स खत्म हो चुके हैं। रेड जायंट ने अब सब अपने आप में समा लिया है। हमारा सूर्य अब बेहद ठंडा हो रहा है और एक असक्रिय ब्लैक होल ड्वार्फ बन चुका है। अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अब तो वो कुछ नहीं भी खत्म होने वाला है। आज तक ब्रह्मांड में जो यहां से वहां भागने वाले सुपर क्लस्टर्स थे, जिनका नाम वर्गो सुपर क्लस्टर्स है, जो 200 मिलियन लाइट ईयर्स दूर थे, अब वो एक गैलेक्सी में समाकर बेहद बड़े बन चुके हैं। लेकिन डार्क एनर्जी के एक्सेलरेशन के कारण इन सब की गति बेहद स्लो हो चुकी है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड का भी अंत अभी नजदीक है। वो जो सबसे बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद थी, अब तो वो भी नष्ट हो गई। और वो वायु के बादल थे जिनसे नए स्टार्स बनते थे, अब वो भी नहीं बचे। यानी कि समझ लो, अब कोई भी नया तारा नहीं बनेगा। इसके कारण अब तो एक्सेलरेशन भी कई गुना बढ़ चुका है। दूर दूर तक दिखने वाला तारा भी नहीं दिख रहा। यहां तक कि ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा द रेड ड्वार्फ भी नहीं बचा। सिर्फ अंधेरा बचा है और उस अंधेरे में अपने आप में सब कुछ खींचता हुआ सबसे बड़ा ब्लैक होल। अब हमारा ब्रह्मांड मर चुका है, लेकिन क्या हुआ उस ब्लैक होल का जो अब भी मौजूद था? हमारा ब्रह्मांड अब बहुत बड़ा और विशाल हो चुका है और हॉकिंग रेडिएशन की वजह से वो आखिरी ब्लैक होल भी इवापोरेट हो गया। अब यहां कुछ भी नहीं बचा।